यह कहानी हमारे गांव में लगे मेले के भूत की है। यह बात उस समय की है जब हमारे गांव में एक मेला लगा था। वहां पर एक भूत बंगले में मेरा एक असली भूत से सामना हो जाता है। यह बात उस समय की है जब हमारे गांव में एक मेला लगा था। मेरा गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था, तो बहुत ही कम ऐसे मौके होते थे कि हमारे गांव में इस तरह के कोई उत्सव हो। मेरा नाम सोमनाथ है, मेरी उम्र 32 साल है और जिस समय की यह कहानी है उस समय में मैं केवल 12 साल का था। मैं एक ऐसे गांव में रहता था जहां पर खूब सारे पहाड़ थे। हमारा गांव बहुत ही सुंदर था। उस गांव में एक बार एक मेला लगा था और मेले में आसपास के सभी गांव के लोग जा रहे थे और कुछ लोग उस मेले में लगी दुकानों की तारीफ कर रहे थे। हमारे गांव के भी कई लोग उस मेले में हो आए थे और उनमें से एक मेरे पास ही के एक काका थे। वो मेरे पापा से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि वो मेला बहुत ही शानदार है और वहां पर कई सारी मिठाइयों की दुकानें भी लगी है, बहुत सारे झूले भी है उस मेले में, वहां एक भूत बंगला भी है, तुम भी एक बार हो आओ। मेरे पापा तो नहीं जा रहे थे पर मैंने जिद की तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है हम चलते हैं। मैं उनकी यह बात सुनकर काफी खुश था। अगले दिन शाम होने से थोड़े समय पहले मैं अपने पापा के साथ उस मेले के लिए रवाना हो गया। जब मैं उस मेले में पहुंचा तो मैंने देखा कि वहां बहुत सारे लोग थे, कुछ को तो मैं जानता भी था, बहुत सारे तो मेरे दोस्त थे और बहुत से तो मेरे ही गांव के थे। मेरे सारे दोस्त भी अपने परिवार के साथ उस मेले में आए हुए थे। मेरे पापा के साथ मैंने खूब मस्ती की थी उस जगह। मैंने बहुत सी मिठाइयां खाई और बहुत से झूलों पर मैं बैठा था। उस मेले में घूमते घूमते शाम हो गई थी पर अभी भी हल्की हल्की रोशनी थी। मैंने थोड़ी सी दूरी पर बने उस भूत बंगले को देखा जिसके बारे में पिछले दिन काका बता रहे थे। मैं अपने पापा से जिद करने लगा कि पापा मुझे भी इस भूत बंगले के अंदर जाना है। वैसे तो मेरे पापा ने मना कर दिया पर उस भूत बंगले को चलाने वाले ने कहा कि साहब यह इतना डरावना नहीं है कि इसमें छोटे बच्चे नहीं जा सकते, यह छोटे बच्चों के लिए बनाया गया है, आप चाहे तो अपने बेटे के साथ इसके अंदर जा सकते हैं। मेरे पापा ने भी सोचा कि चलो ठीक है और उन्होंने दो टिकट खरीदे और वो उस भूत बंगले के अंदर मेरे साथ चले गए। वह भूत बंगला इतना डरावना नहीं था जितना कि होना चाहिए था। वह भूत बंगला मेरे पापा के लिए इतना डरावना नहीं था पर मेरे जैसे एक बच्चे के लिए वो काफी डरावना था। मैं जब अंदर गया था तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे ऐसे सामान रखे थे जिन्हें देखकर बच्चे काफी डरते हैं, जैसे कि कंकाल, खून से भरा हुआ फव्वारा, मकड़ी के जाले, डरवाने जानवर आदि। मुझे सबसे ज्यादा डर तो उस भूत बंगले में से जो आवाज आ रही थी उससे लग रहा था। वो आवाज काफी भयानक थी और वो आवाज मुझे आज भी याद है। मैं बस आपको बता नहीं सकता कि वो आवाज कैसी थी। थोड़ी देर बाद हम उस भूत बंगले के आखिरी छोर पर आ चुके थे, तभी मुझे अपने पीछे से एक ऐसी आवाज आई जो तब आती है जब कोई बड़ी सी बॉल जमीन से टकराती हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे एक काले कपड़ों में एक आदमी दिखाई दिया जिसे देखकर मैं काफी डर गया था। वो जो कोई भी था उसका पूरा शरीर काला और अजीब से कपड़ों से ढका था। वे कपड़े काले रंग के थे, उसकी आंखें लाल थी और उसके दो बड़े दांत थे। वो मुझे देखकर हंस रहा था, उसकी हंसी बड़ी ही भयानक थी और उसके मुंह से उसके भयानक दांत दिखाई दे रहे थे। उसके हाथों में वो बॉल थी और वो उसे अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए था। उसके हाथों के नाखून काफी बड़े और पैने थे। वो मुझे अपनी ओर बुला रहा था। यह देखकर मैं इतना डर गया कि मैंने अपना हाथ अपने पापा के हाथों में कसकर पकड़ लिया।
जब हम बाहर निकले तो मेरे पापा ने कहा कि देखो डरो मत, ये केवल हमें डराने के लिए बनाया गया है, यह सच नहीं है। मैंने अपने पापा से कहा कि हाँ पापा, पर वो काले कपड़ों वाला तो काफी डरावना था। मेरे पापा ने उस काले कपड़ों वाले भूत को नहीं देखा था तो उन्होंने चौंक कर कहा कि सच में तुम डर गए थे। उसके बाद जब मेरे पापा उस भूत बंगले वाले मालिक के पास गए तो उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारा भूत बंगला तो बच्चों को अच्छा डरा रहा है। फिर उन्होंने उस काले कपड़े वाले भूत के बारे में कहा तो वो भूत बंगले वाला बोला कि अंदर तो सिर्फ नकली सामान रखे हैं और कोई भी आदमी नहीं है जो लोगों को डरा सके, शायद इस बच्चे ने कोई पुतला देखा हो। मेरे पापा भी बोले कि हाँ हो सकता है। फिर उसके बाद हम घर वापस लौट आए। मैं जब रास्ते में आ रहा था तब मैं केवल यही सोच रहा था कि अगर उस भू बंगले में लोगों को डराने के लिए कोई आदमी नहीं था तो वो कौन था जिसे मैंने देखा था। वो पक्के से कोई पुतला तो नहीं था। वो मुझे अपनी ओर बुला रहा था। अगर मैं उसके पास चला जाता तो मेरा क्या होता, यह बात आज भी मुझे काफी डराती है।